हरे कृष्ण। तो इस गणेश चतुर्थी प्रभु की आज्ञा से आज हम आप सबके समक्ष कुछ चर्चा करेंगे इस श्लोक पर। तो जैसा कि आप लोग पिछले श्लोकों में सुनते आ रहे हैं, विदुर जी जो यमराज के ही अवतार हैं, मांडुक्य मुनि के श्राप के कारण इस धरती पे कुछ समय के लिए उन्हें आना पड़ा और व्यास देव के माध्यम से उनका जन्म हुआ कुरु वंश में। और ये विदुर जी तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा मतलब भक्ति में उन्नत थे, ज्ञान में, भक्ति में, सब चीज में, क्योंकि वेद व्यास जी ने इनको, क्योंकि ये स्वयं धर्मराज हैं लेकिन दासी पुत्र में प्रकट हुए थे और ये सब हम जानते हैं। फिर विदुर जी महाभारत के युद्ध से पहले ही सब छोड़ के निकल चुके थे और जब वापस आते हैं युद्ध समाप्ति के बाद, उसके बाद आगे आप पहले स्कंद में देखते हैं कि विदुर जी कैसे धृतराष्ट्र को आके डांटते हैं और ले जाते हैं। उसके बीच में क्या हुआ, परीक्षित महाराज पूछते हैं कि विदुर जी तो इतने महान हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ऐसे महान भक्त जहाँ जाते हैं उस स्थान को तीर्थ कर देते हैं, है ना, तीर्थ भी पावन हो जाते हैं ऐसे भक्तों के उपस्थिति से। सो विदुर जी ने क्या किया उसके बारे में जिज्ञासा करते हैं और फिर विदुर मैत्रेय संवाद ये शुरू होता है जो आप इस स्कंद के प्रारंभ से, दूसरे स्कंद से ही आप देख रहे हैं। तो मैत्रेय ऋषि कल्प के प्रारंभ से हैं और बहुत सब सारे युग उन्होंने देखे हैं। और ब्रह्मा जी भगवान जब जा रहे थे तो उससे पहले उद्धव को उन्होंने सारा ज्ञान दिया और उद्धव के समक्ष मैत्रेय मुनि भी वहीं पर उपस्थित थे। तो मैत्रेय मुनि के माध्यम से भगवान विदुर जी के लिए सारा संदेश छोड़ के गए। तो विदुर जी आते हैं और आप दूसरे स्कंद में देखते हैं, तीसरे स्कंद में, आगे भी स्कंद में हम देखते हैं, कोई भी शुद्ध भक्त भगवान का, भगवान के बारे में जब जानने की इच्छा करता है तो डायरेक्ट नहीं पूछता कि भगवान ने क्या लीलाएं की यहाँ पे, है ना, वृंदावन की लीलाएं सुनाइए, बाल लीलाएं सुनाइए। सबसे पहले वो पूछते हैं कि भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, कैसे सृष्टि में वो हर जगह व्याप्त हैं। प्रभुपाद कहते हैं भगवान की कुरुक्षेत्र लीला और भगवान की रास लीला कोई भेद नहीं है। जो कम बुद्धि वाले हैं या जो कामातुर हैं वो डायरेक्ट 10वें स्कंद पे जंप मारते हैं और फिर उसको अपने मनगढ़ंत अर्थवाद निकाल करते हैं उस पे, और इस तरह से वो भी नरक जाते हैं और उनके अनुयायी भी नरक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैत्रेय मुनि डायरेक्ट भगवान की लीलाओं के बारे में नहीं पूछ रहे। उन्होंने प्रश्न सबसे पहले क्या पूछे, पिछले अध्याय में उन्होंने देखा, और पूछते हैं कि कैसे भगवान ये सृष्टि करते हैं और कैसे सृष्टि में हर जगह व्याप्त हैं। उसके बाद बोलते हैं कि इसके अलावा आप अन्य अवतारों के बारे में भी बताइए, फिर कृष्ण अवतार के, कृष्ण लीला के बारे में भी पूछते हैं। तो यहाँ पे इस अध्याय में मैत्रेय मुनि भगवान की पूरी सृष्टि के बारे में बताते हैं, कैसे भगवान सृष्टि करते हैं। हालांकि ये इतना गहरा विज्ञान है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक लगे पड़े हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन कहाँ से आया, इस प्रश्न का उत्तर उनको आज तक नहीं मिला और ना ही मिलेगा, क्योंकि जब तक सही प्रमाण पे नहीं आएंगे, सही शब्द प्रमाण पे नहीं आएंगे, ज्ञान नहीं मिलने वाला। तो पीछे तो आपने पूरा टेक्निकल डिटेल देखा कि कैसे भगवान दृष्टिपात करते हैं, महत्तत्व से सब कुछ निकलता है और उसके बाद एक एक तन मात्र भगवान जो है उसकी सृष्टि करते हैं महत्तत्व से, भूमि, अग्नि, वायु, भूमि, आप, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इस तरह से ये प्रकट होते हैं और सूक्ष्मतर होते जाते हैं। तो सूक्ष्म से स्थूल इसकी रचना होती है, सारे तन मात्रों की रचना होती है। तो ये सब आपने पहले देखा। और प्रत्येक तत्व के लिए, हर भौतिक तत्व के नियंत्रक भगवान ही स्वयं सबका नियंत्रण करते हैं, लेकिन भगवान ने सारे डिपार्टमेंट अलग अलग देवताओं को दिए हुए हैं। तो ये देवता जो हैं भगवान के ही अंश हैं, भगवान नहीं है, भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं, हमारी तरह जीव हैं। लेकिन जब इन देवताओं की भी उत्पत्ति हुई तो इनको भी नहीं पता कि भाई करना क्या है, तो इन्होंने प्रार्थना शुरू किया। तो मुख्यतः भागवतम, भागवतम का लक्ष्य ये नहीं है कि हमको ये पता चले कि ब्रह्मांड कैसे बना। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि मैं भी पूरा नहीं जानता। ब्रह्मा जी जो आदि कवि हैं और सेकेंडरी क्रिएटर कहा जाता है ब्रह्मा जी को, है ना, विसर्ग, सर्ग विसर्ग, भागवतम के जो 10 विषय वस्तु हैं उसमें से एक है सर्ग यानी भगवान द्वारा सृष्टि, विसर्ग यानी ब्रह्मा द्वारा सृष्टि। तो
तो ब्रह्मा जी स्वयं सृष्टि कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा को भी नहीं पता कि पूरे ब्रह्मांड में है क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड कैसा है। हमारे भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं मायापुर में वैदिक प्लानिटेरियम बनाने का, लेकिन इसका लक्ष्य यह नहीं कि पूरे ब्रह्मांड को हम समझ जाएं, क्योंकि जीव की इच्छा रहती है, हर जीव का ये इस भौतिक संसार में ये एक प्रयास रहता है कि उसको हर चीज़ समझ में आए, मीन्स एवरीथिंग, एवरी वन वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, लेकिन ये समझ में आएगा नहीं, क्योंकि शास्त्रों को वैज्ञानिक लोग जिस तरह से ज्ञान अर्जित करते हैं, जैसे हम भौतिक शिक्षा प्रणाली में ज्ञान लेते हैं, इस तरह से नहीं समझा जाता। शास्त्र रिवील होते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो जितनी मात्रा में व्यक्ति की साधना है, जितनी मात्रा में उसका भगवान के प्रति समर्पण है, उतनी मात्रा में भगवान उसके हृदय में ही ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा जी को सबसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त है, क्योंकि वह पूरी तरह से भक्ति में लगे हुए हैं, और इस तरह से बाकी जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त, वो भी इस सृष्टि के बारे में उतना ही जान पाते हैं जितना उनके लिए आवश्यक है यहाँ से निकलने के लिए, उसके अलावा ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। क्यों ये प्रवृत्ति है हमारी कि हम सब कुछ जानना चाहते हैं? क्योंकि ये आत्मा की प्रवृत्ति है, सत चित आनंद, आत्मा सत चित आनंद है। तो ये चित्त जो है, यानी ज्ञान जो हमें अपने स्वरूप में पूर्णतया मिलता है, पूर्णतया है, वो अभी ढके होने के कारण वो बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है, परावर्तित हो रहा है विकृत रूप में। तो हम प्रयास करते हैं इस भौतिक देह के माध्यम से सब कुछ जानने के लिए, लेकिन इस छोटी बुद्धि में सब फिट होगा नहीं। तो कुछ लोग इसका आरोप करते हैं इस पे कि अरे आप लोगों को पता नहीं, इसीलिए ये आप आर्ग्यूमेंट देते हैं कि सब कुछ नहीं समझा जा सकता। लेकिन लॉजिक से समझना चाहिए कि अगर सब कुछ हम समझ गए तो फिर भगवान मेरी बुद्धि में सीमित हो गए, तो फिर भगवान सीमित हैं, लेकिन भगवान असीमित हैं। तो इसीलिए भगवान के बारे में हर कुछ नहीं जाना जा सकता। इतना जान सकते हैं कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमारा और भगवान का संबंध क्या है, और यहाँ से निकलना कैसे। उसके लिए भगवान ने हमें ये श्रीमद् भागवतम दिया, जहाँ पे आप शुरू से ही देख रहे हैं कि प्रार्थना है, प्रार्थना है, प्रार्थना है। जो भी भक्त प्रार्थना करते हैं, सिर्फ भगवान के चरण कमलों के वंदना कर रहे हैं। ये चरण कमल जो हैं, ये सारे योगियों के, सारे आध्यात्मवादियों के लिए ये लक्ष्य है। भक्तों के लिए तो चरण कमल की सेवा है ही लक्ष्य, यहाँ तक कि मायावादी और तथाकथित बाकी योगी वो भगवान के नख से निकले हुए जो ब्रह्म तेज हैं उसके ऊपर ध्यान करते हैं। ब्रह्म संहिता में बड़ा ही सुंदर एक श्लोक आता है ब्रह्मा जी के प्रार्थनाओं में, पंथास्तु कोटि शत वत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवान सोप्यस्ति यत् प्रपदसिम्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन गोविंद आदि पुरुष की पूजा करता हूँ, भजन करता हूँ, जिनके नख के, मतलब पैर के नख के जो अग्र भाग हैं, उनको प्राप्त करने के लिए योगी और आध्यात्मवादी जो हैं प्राणायाम की का अभ्यास कर रहे हैं, योग ध्यान में लगे हुए हैं, ज्ञानी जो है अपना बुद्धि दौड़ा रहे हैं ताकि इस भौतिक जंजाल से उनको छुटकारा मिले और वहां पहुंचे। लेकिन फिर भी नहीं मिल पाता, फिर भी प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान की जो भगवान का जो चरण कमल है, वो सिर्फ और सिर्फ कैवल्य भक्ति, उसी से प्राप्त किया जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, और कोई मार्ग नहीं है। भगवान कहते हैं अनन्य, अनन्य शब्द भगवान गीता में कई बार यूज करते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य चेतः। सो ये अनन्य शब्द मतलब और कोई दूसरी इच्छा नहीं, मुक्ति की भी इच्छा नहीं, ऐसे भक्त भगवान के चरण कमलों की उपासना कर सकते हैं और वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन जो बाकी अध्यात्मवादी हैं, जैसे आज के तात्पर्य में भी प्रभुपाद लिखते हैं कि बहुत साधु और संत प्रयास कर रहे हैं जन्म मृत्यु के इस चक्र से छूटने के लिए, भौतिक कष्टों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, लेकिन ऐसा वही कर पाते हैं जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, बाकी अध्यात्मवादी ऐसा नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत कहता है कि ब्रह्म ज्योति में पहुंच भी गए, आरुह्य कृष्णेन परम पदम तथा पतंती अधः, वहां से पतन होता है उनका, क्योंकि अपने स्वरूप को नकार के आत्मा वहां पहुंचती तो है जहां भौतिक कष्ट नहीं है। तो कष्टों का निवारण और सुख, इसमें बहुत अंतर है। कष्टों का निवारण सुख नहीं है, कष्टों का निवारण यानी जीरो पे आना, आनंद यानी अभी जीरो से आगे बढ़ना है। तो सिर्फ शून्य पे रह के आनंद नहीं मिलेगा, इसलिए चाहे शून्यवाद हो चाहे मायावाद हो, दोनों एक ही है, बुद्धिज्म और इम्पर्सनलिज्म, सेम फेसेस, टू फेसेस ऑफ सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
इनमें कोई अंतर नहीं है, ये सिर्फ शब्दों का छलावा है। ये कहना कि मैं ही भगवान हूँ, ये कहना कि हम सब भगवान हैं, ये सेम बात है कि भगवान नहीं है। अर्थ यही निकलता है कि भगवान है ही नहीं, सब भगवान है मतलब कोई भगवान नहीं है। मैनी मास्टर्स मीन्स नो मास्टर। तो इस तरह से चाहे मायावादी हों, चाहे शून्यवादी हों, चाहे निर्विशेषवादी हों, ये सब नास्तिक ही हैं वास्तव में। तो इसीलिए ये अप्रोच, ये भगवान के चरणों तक पहुंच नहीं सकते, अपने स्वरूप को नकार देते हैं। अगर ब्रह्म तेज में पहुंच भी गए तो वहां पे शंभू भगवान शिव के त्रिशूल जो हैं वो उस आत्मा को घुसने नहीं देते आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में। वो प्रयास भी करे तो शूल से टकरा के वापस नीचे गिरते हैं, तो पतन होना निश्चित है, तो फिर क्यों इतना प्रयास करना। तो यहाँ देवता प्रार्थना शुरू करते हैं, तो देवता प्रार्थना में कहते हैं कि आपके चरण कमल जो है छाते के समान है आपके प्रति शरणागत आत्माओं के लिए, है ना। कैसा छाता, जो ताप है, हमारे तीन ताप जो संसार के हैं, ताप यानी इस ताप से ही तपस्या शब्द आता है, और ये ताप ही इस संसार के संताप हैं। तो तपस्या करके इस संताप से मुक्त हो सकता है व्यक्ति। हमारे शरीर में अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाए तो भी हमें बर्दाश्त नहीं होता, थोड़ा सा कम हो जाए तो भी बर्दाश्त नहीं होता। तो जो ताप है संसार के, ये बर्दाश्त करना तभी संभव है जब व्यक्ति तपस्या करे। और कैसी तपस्या करे, भगवान के चरणों की सेवा, और वो तपस्या में आचार्य देते हैं। यहाँ पे ये प्रार्थना है, सुखदेव गोस्वामी जब शुरू करते हैं, सुखदेव गोस्वामी जब दूसरे स्कंद में आपने देखा कि जब उनसे परीक्षित महाराज पूछते हैं, तो पहले तो इतने भाव में आ जाते हैं कि किसी शुद्ध भक्त से आपने चर्चा कर दी, अगर छेड़ दिया भगवान के बारे में कोई सब्जेक्ट, फिर तो खाना पीना भूल जाएगा वो और कथा में लग जाएगा। सुखदेव गोस्वामी पहली बार तो कथा करने बैठे हैं, इससे पहले कभी बोले नहीं थे, और इसके बाद बोले हैं, ये भी कहीं पे हमने अभी तक वर्णन सुना नहीं। तो जो अवधूत हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं उनका, उनकी प्रार्थना में सूत गोस्वामी कहते हैं कि सिर्फ दूध दुहने के समय तक वो गेट पे रहते थे, हाँ, और उसके बाद निकल जाते थे। जिनके आँख में किसी भी प्रकार का भौतिक कल्मश है ही नहीं, और जो कहीं नहीं ठहरते, वो महान भक्त भगवान के, वो परीक्षित महाराज के पास आए सुनाने के लिए। तो पहले तीन अध्याय दूसरे स्कंद के तो ऐसे ही निकल गए, फ्लो में ही चले गए। अरे फिर जब रुके और परीक्षित महाराज बोले, नहीं अब आप भगवान की लीलाएं सुनाइए, तब याद आया मैंने प्रार्थना तो करी ही नहीं, मंगलाचरण तो किया ही नहीं, और इतनी सुंदर मंगलाचरण करते हैं, चार पांच श्लोक में बार बार सुभद्र श्रव से नमो नमः, तस्मै सुभद्र श्रव से नमो नमः। तो हर भक्त भगवान के चरणों की पूजा कर रहा है। बहुत सुंदर एक प्रार्थना है सुखदेव गोस्वामी की, दूसरे स्कंद में ऐसे ही करते हैं। विचक्षणा यत् चरणोपसाधना संगम युदस्य भयतो अंतरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिम गतक्लमास्तस्मै सुभद्र शव से नमो नमः। तो बार बार हर शुद्ध भक्त भगवान के उस चरणों की उपासना कर रहा है, चरणों के प्रति। कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में कहती हैं कि गंगा जो भगवान के चरणों से निकली है ना, गंगा जैसे समुद्र की तरफ भागते रहती है, ऐसे मेरा मन भी भगवान के चरणों में भागे। गंगा जिस प्रकार से समुद्र में प्रविष्ट होती है, मेरा भी चरण हमेशा तस्मय गंगे उगम उदनवती, इस प्रकार से मेरा भी मन भगवान के चरणों में लगे। तो हर भक्त भगवान के चरणों की उपासना करना चाहता है। तो ये तरीका है भगवान की भक्ति करने का, प्रभुपाद जी समझाते हैं। आगे आप इसी स्कंद में है या आगे है कि भगवान का दर्शन कैसे करना है। भगवान का दर्शन चरणों से शुरू होता है, मेरे ख्याल से दूसरे स्कंद में ही जहाँ पे परमात्मा का वर्णन करते हैं वहां पर है कि चरणों से शुरू करना होता है। कि पहले चरणों, प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं, डोंट जंप टू द फेस ऑफ बलराम, कृष्ण बलराम, डोंट ट्राई टू इंजॉय कृष्ण। ये वृंदावन में प्रभुपाद लेक्चर ले रहे थे, कहते हैं पहले चरणों को देखो, मेडिटेट ऑन द लोटस फीट ऑफ कृष्ण बलराम। जब आप इसके आदि हो जाएंगे, जब उस ध्यान में आप पक् हो जाएंगे, तब आगे बढ़िए। तो यानी जब भी हम दर्शन भी करें भगवान का, तो भगवान को देखें, लेकिन ज्यादा करके ध्यान चरणों पर रहना चाहिए। ठीक है, एक बार देख लिया भगवान ने क्या श्रृंगार किया, भगवान को क्या पहनाया गया है, इस पर ध्यान करना चाहिए, लेकिन फिर चरणों के ऊपर, क्योंकि अलग अलग अंग भगवान के अलग अलग ऐश्वर्यों के वो हैं, उद्गम स्थान है, और भगवान के अंग में कोई भेद नहीं है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मन्ति,
तो जब हम चरणों के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो हमारी जो दास्य भावना है, जो इस संसार में सिर्फ एक ही रस है भगवान के साथ, जीव रस स्वरूप है कृष्ण रस नित्य दास, वो दास की भावना पुनः जागृत होती है। तो इसीलिए ज्यादा करके चरणों पर ध्यान देना चाहिए। तो भगवान यही चीज गीता में अंतिम कंक्लूजन देते हैं, मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ मतलब भगवान के चरणों में रहना चाहिए और भगवान के इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए। सर्व गुह्य तमम भूय, भगवान कहते हैं गीता में, सर्व गुह्य तमम भूय श्रीनु में परमम वचः। भगवान ये सारा ज्ञान देते हैं और बताते क्या है ये परम ज्ञान, परम गुह्य तमम ज्ञान क्या है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी, मुझे नमस्कार करो, माम नमस्कुरु, भगवान को नमस्कार करना यानी भगवान के चरणों में नतमस्तक होना। इससे क्या होगा, इससे होगा मां शुचः, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सिर्फ ये करना है, बाकी धर्म छोड़ दो तो मेरी शरण में आओ, तो हर प्रकार के पापों से भगवान मुक्त कर देंगे अगर भगवान के चरणों में पूजा करते हैं। तो देवतागण भी स्वतंत्र नहीं है, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने उनको ब्रह्मा के माध्यम से बनाया, लेकिन वो भी नहीं जानते कि करना क्या है, तो वो भी भगवान की प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं प्रत्येक दिन। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी ने एक बार मेडिटेशन किया और उसके बाद फिर अगले दिन, हाँ मुझे पता है एक बार आपने बता दिया ना अब कर लूंगा मैं। हर दिन हर कल्प में ब्रह्मा जी पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान उन्हें ज्ञान देते हैं और फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तो किसी कल्प में भगवान, हमने ऐसे अपने वरिष्ठों से सुना है कि जब ब्रह्मा जी पूर्णतया भक्ति भाव में होते हैं, 100% डिवोशनल एटीट्यूड, तब स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण उनको दर्शन देते हैं, जो आप ब्रह्म संहिता में देखते हैं। अन्य कल्प में भगवान अलग अलग रूप में आते हैं, भागवतम हम देखते हैं गर्भो दक्षाय विष्णु उनको बताते हैं, और किसी कल्प में भगवान नरसिंह अवतार में भी आके बोलते हैं, किसी कल्प में हंस अवतार में, किसी कल्प में हयग्रीव अवतार में। तो ब्रह्मा जी का जैसा भाव रहता है भगवान उस रूप में आके उनको ज्ञान देते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी जानते हैं कि मैं सृष्टिकर्ता नहीं, तो भगवान जब तक नहीं बताएंगे तब तक सृष्टि कर नहीं सकता मैं। तो ये देवतागण भी इसी प्रकार से भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसे कई प्रसंग हैं शास्त्रों में, उपनिषद में, जहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े भक्त, जहाँ उन्हें थोड़ा सा घमंड आता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, भगवान तुरंत वो घमंड को तोड़ देते हैं, है ना। मैंने शायद पहले ये कथा बताई कि नहीं मुझे याद नहीं, लेकिन बड़ा इंस्पिरेशनल है ना, किसी उपनिषद में आता है ये, तो अगर आपने सुना है तो बता दीजिएगा, तो फिर हम दूसरी कथा सुनाएंगे। तो ये प्रसंग आता है कि एक बार गरुड़ जी भगवान के जो वाहक हैं, गरुड़ जी एक बार जा रहे थे क्षीर सागर की तरफ, तो बीच में वो हिमालय पे रुके, और हिमालय पे रुके तो जैसे ही वो एक चोटी पे लैंड किए, वहाँ पे जितने भी संत आदि बैठ के तपस्या कर रहे थे, उन्होंने देखा अरे तो भगवान विष्णु के वाहन हैं, और तुरंत उन्होंने गरुड़, क्योंकि गरुड़ वैष्णव हैं तो उन्होंने गरुड़ की स्तुति शुरू कर दी, है ना, क्योंकि वैष्णव का स्तुति करना भगवान को बड़ा प्रिय है। तो उन्होंने गरुड़ की स्तुति शुरू की और गरुड़ जी हैं अपना पंख फड़फड़ाने लगे, है ना, और उनको थोड़ा सा ये एहसास होने लग गया कि अरे मैं कुछ हूँ। और ये ऋषि जो थे ये तत्वदर्शी थे, ये साधारण ऋषि नहीं थे। तो गरुड़ की स्तुति करते करते जैसे ही इन्होंने देखा कि गरुड़ को थोड़ा सा घमंड आ रहा है, थोड़ा इनको लग रहा है कि हाँ मेरी स्तुति हो रही है, उन्होंने स्तुति बंद कर दी। गरुड़ जी तुरंत देखे, आंख खोले, बोले अरे स्तुति बंद कर दिया। बोला क्यों बंद किया आप लोगों ने, ये कुछ बोले नहीं। तो गरुड़ जी को बड़ा क्रोध आया, बोले आप लोग जानते नहीं, मैं अभी इस चोटी को गिरा दूंगा और सब इसके नीचे दब के मर जाओगे। लेकिन गरुड़ जी को जाना था, भगवान का बुलावा आया था, उनको क्षीर सागर जाना था, बोले मैं वापस आके निपटूंगा आप सबसे। और गरुड़ जी फिर उड़े, अपना बीच में अपना कलेवा किया उन्होंने और पहुंचे क्षीर सागर। और क्षीर सागर पहुंचे, भगवान बोले गरुड़ से, गरुड़ जी गरुड़ चलो हमको कैलाश चलना है, मुझे शिव से मिलना है। तो गरुड़ जी तैयार हो गए, आइए। तो भगवान आए और भगवान बैठे गरुड़ के ऊपर, और गरुड़ के ऊपर बैठे और बोले चलो। गरुड़ जी प्रयास कर रहे हैं उठने का, उठ ही नहीं पा रहे, उड़ने का प्रयास कर रहे हैं उड़ ही नहीं रहे। फिर गरुड़ जी अरे क्या हो रहा है, हिल ही नहीं पा रहे थे गरुड़ जी, एक पंख अपने शरीर का नहीं हिला पा रहे थे। फिर उन्होंने बोलना कुछ प्रारंभ
बोलना चाहते थे कुछ लेकिन मुंह नहीं खुल रहा, शब्द ही नहीं आ रहे, वाणी से मतलब हवा बाहर ही नहीं आ रही है। भगवान बोले क्या हुआ गरुड़, चलो लेट हो रहा है। गरुड़ जी प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं लेकिन उड़ नहीं पा रहे। बोलते क्या हो गया, आप तो पर्वत की चोटी गिरा सकते हैं, आप तो ऋषियों को मार सकते हैं उसके नीचे, अभी उड़ नहीं पा रहे। गरुड़ जी समझ गए भगवान भगवान की लीला है ये, और आंसू आने लग गए उनके, और उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि प्रभु मैं आपको नहीं उठा रहा हूँ, आप ही अपने आप को उठा रहे हैं, ये सारी सृष्टि आपने ही उठाई हुई है, आप ही अपनी इच्छा से चलते हैं, हम घमंड कर बैठते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। वेद व्यास जी कहते हैं मुह्यंती यत सूरयः, उन्हीं के इस माया से बड़े बड़े सूर्य ब्रह्मा आदि शिव भी मोहित हो जाते हैं, तो फिर हमारा क्या कहना। तो ये प्रार्थना उन्होंने की, भगवान ने फिर उनको थोड़ा सा बल दिया, और फिर उन्होंने उनको ग्लानि हुई, भगवान बोले चलो बीच में लेकिन रुक जाना हिमालय पे, और भगवान गरुड़ जी के ऊपर बैठे, गरुड़ जी फिर उड़े और बीच में उसी हिमालय पे वापस आकर रुके। संतों ने फिर देखा अब कि भगवान भी आए हैं गरुड़ जी के ऊपर, तो फिर इन्होंने गरुड़ की स्तुति की, और इस बार गरुड़ जी ने क्या किया, जितनी भी स्तुति है सब लिया उनसे और भगवान के चरणों में डाल दिया। ये है गुरु प्रतिनिधि, भगवान का भक्त यानी भगवान का प्रतिनिधि, अगर उसकी स्तुति होती भी है तो उसको लेके आगे दे देता है, अपने पास रख लिया तो खत्म। तो तब भगवान को वो सारी प्रार्थना सौंप दी, और तत्व इन ऋषियों ने बहुत स्तुति की गरुड़ की, और फिर भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया और फिर वहां से चल दिए। तो बड़े बड़े सूरी बड़े बड़े भक्त भी भगवान के, भगवान ये नहीं देखना चाहते कि किसी भी प्रकार से मेरे भक्तों में अहंकार आए, ये अहंकार तब तक नहीं आएगा जब तक हम भक्ति में लगे रहेंगे विनम्रता भाव से, आचार्य के मार्गदर्शन में विनम्र भाव से अगर हम भक्ति में लगे हुए हैं तो अहंकार नहीं आएगा। लेकिन जहां हम सोच बैठते हैं यही देवतागण, आप देखेंगे भागवत में कई प्रसंग, कई बार ऐसा प्रसंग आएगा, पुराणों में उपनिषदों में ऐसे कई प्रसंग हैं, ये सृष्टि के प्रारंभ में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम जो हैं कुछ समझ नहीं आ रहा था उनको कि करें क्या, और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ही के चरण कमलों की आश्रय लेके सब इससे पार हो जाते हैं इस भौतिक संसार से, और आगे की प्रार्थनाएं आप सुनेंगे। लेकिन कभी कभी इनके अंदर भी घमंड आ जाता है, क्यों, क्योंकि भगवान कहते हैं कि पूरी सृष्टि जो है ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण में बंधी हुई है, तो कभी तमोगुण हावी होता है, कभी रजोगुण हावी होता है, कभी सतोगुण हावी होता है, तो चाहे ऊपरी के लोक में जाए व्यक्ति, चाहे मध्य लोक में रहे, चाहे नीचे के लोकों में जाए, इन गुणों के बीच में द्वंद्व युद्ध चलता रहता है। तो अगर ब्रह्म लोक भी चले गए और भगवान की भक्ति नहीं है तो वापस वहां से नीचे खींचे जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी कभी कभार रजोगुण तमोगुण हावी हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे आगे आगे भी देखेंगे इंद्र के इतने वर्णन, जिन इंद्र का वेदों में इतना गुणगान है, अगर ऋग्वेद पढ़ना शुरू करे व्यक्ति तो उसको लगेगा इंद्र ही भगवान है, 200 से ज्यादा श्लोक सिर्फ इंद्र के गुणगान है और 4 या 5 श्लोक में परम सत्य के बारे में बताया गया। तो कोई भी व्यक्ति वेद शास्त्र पढ़ेगा वो तो देवता, ये जितने देवता हैं ये मामूली नहीं है, तो हम भागवतम पढ़ रहे हैं तो हमको लग रहा है कि ठीक है मतलब देवता इतने वो नहीं है, ऐसा हमको एहसास होता है। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है स्पेशली कि देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए, भक्त जो है कहते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में, पिछले पिछले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि देवताओं की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, भक्त जो है जानता है, इससे पिछले श्लोक में आपने पढ़ा है ना कि भक्त जानता है कि भगवान ही सब चीज के स्रोत हैं, भगवान की भक्ति करनी है, इसलिए देवताओं की शरण में नहीं जाते, लेकिन देवताओं की निंदा भी नहीं करते, अवहेलना भी नहीं करते। भक्ति रसामृत सिंधु के 8वें या 9वें अध्याय में जहाँ पे पूरे 64 अंग दिए हैं भक्ति के, उसमें से एक अंग है देवताओं की निंदा नहीं करनी चाहिए, देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि भक्त जानता है कि भगवान ने इनको इस पद पर बिठाया है और ये भगवान के कार्य में नियुक्त हैं, तो चाहे वो शुद्ध हों चाहे नहीं हो, क्योंकि भगवान के कार्य में लगे हैं तो वो सम्माननीय है। तो भक्त तो वैसे भी अपने आप को तृण से नीचा मानता है, तो हर किसी को सम्मान देता है, देवताओं देवता तो बहुत ऊंचे हैं, तो इस प्रकार से इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर हम समझते हैं भागवतम से जो अमल पुराण है कि देवता भी प्रभावित हो जाते हैं गुणों से,
और कई बार गड़बड़ करते हैं, विशेषकर जब कृष्ण को समझने की बात आती है तो ब्रह्मा जी भी शिव आदि भी नहीं समझ पाते। तो फिर ब्रह्मा जी कह रहे मैं समझ नहीं सकता, शिव जी कह रहे मैं समझ नहीं सकता, तो फिर इतना बोल क्यों रहे हैं? देवता कह रहे हम नहीं समझ सकते, तो इतना सारा श्लोक, जब समझ नहीं आ रहा तो इतना श्लोक, समझ जाते तो कितना होता पता नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हम भगवान को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जितनी अपनी कैपेसिटी है, जितनी अपना जितना सक्षम है व्यक्ति में, उतना गुणगान कर रहा है भगवान का। इससे क्या होता है, भगवान लिमिटेड नहीं होते, भगवान सीमित नहीं हो जाते, लेकिन हमारी शुद्धिकरण होती है। जैसे मैं जब हम छोटे थे तो स्कूल में हमको एक्सरसाइज मिलता था, राइट 10 लाइन्स ऑन योर मदर, है ना, माँ के ऊपर 10 वाक्य का निबंध लिखिए। तो बच्चे लिखते थे, मेरी माँ मेरा ध्यान रखती है, मेरी माँ मेरे लिए खाना बनाती है, मेरी माँ मेरे को कपड़े पहनाती है, ऐसे करके। तो क्या वो माँ के बारे में सब जानता है? माँ का पूरा व्यक्तित्व तो जानता है। क्या वो माँ को सीमित कर रहा है अपने 10 वाक्यों में? नहीं। क्या कर रहा है वो अपना भाव व्यक्त कर रहा है, उससे उसका माँ के साथ संबंध बढ़ता है। तो इसी प्रकार से श्रृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनः तवैव पश्यन्ति चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजं। कुंती महारानी कहती हैं कि भक्त जो हमेशा श्रृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्ष्णशः लगे हुए हैं भगवान के इसमें, इससे क्या होगा, भव प्रवाहो, इस भाव से निकल जाएंगे, परमं पदाम्बुजं, कहाँ में पहुंच जाएंगे फिर, पदाम्बुजं लोटस फीट, चरण कमल, भगवान के चरण कमल के समान है, भगवान के हस्त कमल के समान है, भगवान का पूरा एक एक अंग कमल से तुलना की जाती है, क्योंकि इससे ज्यादा सुंदर वस्तु हमने संसार में देखा नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कमल जैसे हो गए, भगवान तो कमल से भी मुलायम है। तो अलग अलग भक्त अपने भाव के अनुसार भगवान की स्तुति करते हैं, कहीं भगवान को कहते हैं मखमल जैसे कोमल है भगवान का अंग, वज्र जैसा कठोर है, तो ये द्वंद्व नहीं है। ये भगवान को जिस प्रकार से जितनी मात्रा में भक्त समझ पा रहा है उतना स्तुति करके अपनी भक्ति बढ़ाते हैं, हम भगवान के और नजदीक जाते हैं, शुद्ध होते हैं, और इन्हीं स्तुतियों को रिपीट करके हम जैसे बद्ध जीव भी उस स्तर तक आ सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी गण सभी प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, देवता प्रार्थना कर रहे हैं, शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं, हमें भी प्रार्थना करना चाहिए भगवान के चरण कमलों की, और इन्हीं की स्तुतियों को दोहराना चाहिए, क्योंकि ये उन्नत हैं, ये उन्नत भक्त हैं, इनकी स्तुतियों को दोहराएंगे तो भगवान बड़े प्रसन्न होंगे, इसमें सारा तत्व सारा भाव छुपा हुआ है। तो इस प्रकार से हम भी भक्ति में आगे बढ़ेंगे और भगवान के चरण कमलों का आश्रय एक दिन प्राप्त करेंगे। तो आज हम यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि 9 बजे से हमारे मंदिर में डिसग्रेस महाप्रभु प्रभु जी का मेमोरियल फंक्शन है, तो हमें वहाँ पहुँचना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।